हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम कलेक्ट करेंगे सनफ्लावर के सीड्स। उसके साथ साथ मैं दिखाऊंगी मेरा एक फ्लावर जो खुद से ही उसके सीड्स मेरे सॉइल में झड़ के गिर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मेरे सनफ्लावर्स को अपने गार्डन में लगाने के क्या क्या लाभ हैं। तो अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो करते हैं तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। सनफ्लावर पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। बीज, बटरफ्लाइज, वास, बर्ड्स सब सनफ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होके आती हैं। इसका कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है, आपको खुद देख के लग रहा होगा। और ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पे सब सीड्स बनेंगे और इन सीड्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे मेन बात ये है कि सनफ्लावर्स के सीड्स एडिबल होते हैं। तो सनफ्लावर्स पॉलिनेटर की को अट्रैक्ट करने के साथ साथ इनकी जो रूट्स होती हैं वो भी हमारी सॉइल्स को कंटेम्ड सॉइल या दूषित, जो हमने शायद आर्टिफिशियल और केमिकल फर्टिलाइज़र दे दे के अपना सॉइल पॉल्यूट कर रखा है, पोल्यूशन कर रखा है, उसको भी काफ़ी हद तक क्लीन करती हैं। आपने देखा होगा जो गार्डनर, वो किसान होते हैं, वो अपने फसल के आसपास सनफ्लावर्स के प्लांट्स उगाते हैं। इसका रीज़न एक यही है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। ये तो है ही हम लोगों के, और मतलब जो हम गार्डनर्स का लिस्ट में शायद सारे फूल होने हो, ऐसा भी होता है कि हम सभी तरह के फूल अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं सनफ्लावर के सीड्स की। तो जो सनफ्लावर्स के सीड्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स का खजाना होते हैं। इनके अंदर कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सेलेनियम, मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। इसके साथ साथ विटामिन्स भी होते हैं काफ़ी सारे। तो ये हाँ एडिबल होते हैं, हम सभी को पता है। देखिए ये वाला जो मेरा फ्लावर है वो सूख के इसके बीज झड़ चुके हैं। तो ये हम लोगों के लिए तो है ही बेनिफिशियल, लेकिन जब इस तरह से इनके बीज झड़ के हमारी सॉइल में मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं जो हमारे सॉइल के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं उनकी भी कमी पूरी होती है। तो एक तरह से ये हमारी सॉइल को और अच्छी तरह से फर्टाइल बनाते हैं। इसके साथ साथ जब इस तरह के सीड्स अपने आप मिल के सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं और इनमें से कुछ सीड्स जर्मिनेट भी हो जाते हैं। तो हमको अगले साल इससे प्लांट्स भी मिल जाएंगे एक दो। तो सनफ्लावर्स को आप ज़रूर लगाइए और इसके सीड्स आप खुद भी खाइए, इसके साथ साथ अपने सॉइल को दीजिए, जिससे आपकी सॉइल का भी ऑर्गेनिक कंटेंट इम्प्रूव हो, आपकी सॉइल धीरे धीरे और अच्छी बने। तो ये कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। इसके साथ साथ बहुत यूज़फुल है सनफ्लावर, आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए और आप इसका इंटेक कीजिए और इसके साथ साथ अपनी सॉइल को दीजिए और उसका ऑर्गेनिक कंटेंट भी बढ़ाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।